Dear student, we have learned already about accounting rule, that is traditional approach. Three accounting rule: personal, real and nominal. Personal account rule: debit the receiver and credit the giver. Real account rule: debit what is come in and credit what is goes out. Nominal account: debit all expenses and losses, credit all income and gain. Now, today we have learned about accounting equation rule, which are applied for the passing advanced general entry. तो अब हम लोग के सामने दो रूल समझ में आ रहा है. एक है अकाउंटिंग रूल, जो कि पहले पढ़ चुके हैं, पर्सनल रियल नॉमिनल एज ए ट्रेडिशनल अप्रोच. एंड मॉडर्न रूल या मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच, डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट्स शोड ऑलवेज डेबिट बैलेंस. एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है. लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट एंड कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है. अकाउंटिंग इक्वेशन रूल में जो रूल हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, इसको हम समराइजिंग फॉर्मेशन में एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे. यानी कि एसेट्स की वैल्यू को और इंक्रीज करना हो तो एसेट्स को क्या कर देंगे, डेबिट. एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट. लाइबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो लाइबिलिटी को क्या किया जाएगा, क्रेडिट. अगर लाइबिलिटी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटीज के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा. कैपिटल की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल को और क्रेडिट करेंगे, और अगर कैपिटल वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट किया जाएगा. तो इस अकाउंटिंग रूल में जो रूल हम लोग के सामने आया, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल से रिलेटेड. एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए डेबिट, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट. लाइबिलिटी वैल्यू इंक्रीज नाउ क्रेडिटेड एंड लाइबिलिटी वैल्यू डिक्रीज नाउ डेबिट. कैपिटल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट और डिक्रीज करने के लिए डेबिट. उसी तरह यहाँ पे एक और समझा जाए, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन. तो इसके लिए ठीक वही रूल हम लोग अप्लाई करेंगे जो कि नॉमिनल अकाउंट का रूल है. ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो जब भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा उसको क्या किया जाएगा, डेबिट. और इनकम एंड गेन को क्या करेंगे, क्रेडिट. तो ये जो अमेरिकन अप्रोच है, यानी कि डिपेंड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके लिए जो क्वेश्चन अब हम लोग के सामने होंगे वो एक तरह से एडवांस जनरल एंट्री होगा. एक एग्जांपल लेते हैं. उस एग्जांपल में डिप्रिशिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी रुपीज 5000. ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है. तो डिप्रिशिएशन का मतलब होता है बिजनेस में जो भी एसेट्स होते हैं उनको बिजनेस अगर यूज़ कर रहा है तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है. तो एसेट्स की वैल्यू अगर यूज़ करने से रिड्यूस हो रहा है तो वो फर्म के लिए क्या है, एक तरह का लॉस है. तो जब भी हमें जनरल एंट्री पास करना होता है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उससे टू साइड्स फाइंड आउट करना होता है. तो एक साइड तो हमें दिख रहा है डिप्रिशिएशन एज ए लॉस नॉमिनल अकाउंट,
नॉमिनल अकाउंट, अनदर साइड एज ए मशीनरी विच आर रिलेटेड टू रियल अकाउंट, डिप्रिशिएशन एज ए नॉमिनल है, इसके लिए रूल अप्लाई करेंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो नाउ डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट। व्हाट इज गोज आउट एज ए मशीनरी रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट इज कम इन, क्रेडिट व्हाट इज गोज आउट। तो जो मशीनरी बिजनेस में यूटिलाइज हुआ है उसको यूटिलाइज करने से जो लॉस हो रहा है वही डिप्रिशिएशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस से मशीनरी बाहर गया। इस सिचुएशन में अब हम किस पे डिपेंड हो रहे हैं एडवांस जनरल एंट्री के लिए, यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए डेबिट और डिक्रीज करने के लिए क्या किया गया है क्रेडिट। नाउ मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है टू मशीनरी अकाउंट, 5000 डेबिट साइड एंड 5000 क्रेडिट साइड। ये एक नॉर्मल एग्जांपल लिया गया है जिसके लिए आपको क्लियर किया गया कि ये जो मॉडर्न रूल है ये किस तरह से अप्लाई होता है। तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये नॉर्मल बिजनेस कोर्स यानी कि गुड्स परचेस सेल्स कैश पेड टू आउटसाइडर ये सब है, और ये जो है ये ट्रांजेक्शन एक तरह से एट द एंड ऑफ द ईयर जो क्रिएट होते हैं डिप्रिशिएशन आउटस्टैंडिंग, तो एडवांस जनरल एंट्री के लिए यहाँ पे हम अकाउंटिंग इक्वेशन रूल को अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके बारे में डिटेल, सम स्पेशल एंट्रीज विच आर रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन रूल, फर्स्ट एज ए बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स एज ए लॉस ऑन डेब्टर्स, यानी कि जो डेटर्स हैं कस्टमर्स हैं उनसे जो अनरियलाइज्ड अमाउंट है वो जब लॉस होता है तो उसको एज ए बैड डेब्ट्स कहा गया है। अब ये बैड डेब्ट्स का अमाउंट अगर रिकवर्ड हो रहा है तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री पास होगी, यानी कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मीन्स विच वाज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ आर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। तो अब इसके बारे में और अच्छे समझने के लिए जरा एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें क्या है, गुड्स सोल्ड टू मोहन रुपीज 10,000, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अमाउंट 10,000 डेबिट साइड एंड 10,000 क्रेडिट साइड। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बिजनेस ने गुड्स सोल्ड किया है मोहन को 10,000 का, तो मोहन से रिसीव करना है 10,000 एज ए मोहन कस्टमर, डेबिट एज ए डेटर्स, इनसे डेटर्स यानी कि कस्टमर अमाउंट रिसीव करना है 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश रिसीव फ्रॉम मोहन रुपीज 2,000, नाउ कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन एज ए डेटर्स थे 10,000 से उनके अकाउंट को डेबिट किया गया था, अब उनसे 2,000 रिसीव हो रहा है तो मोहन के अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया, क्रेडिट द गिवर 2,000, अभी भी बैलेंस अमाउंट डेबिट वैल्यू रुपीज 10,000 एंड क्रेडिट वैल्यू रुपीज 2,000, आफ्टर डिडक्टिंग क्रेडिट वैल्यू 8,000 शोड एज ए डेबिट बैलेंस इन मोहन अकाउंट। नाउ मोहन इज डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट एंड 30 पैसे इन ए रुपीज इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। तो अब यहाँ पे मोहन है जिनसे इंस्टॉलमेंट हो रहे हैं, अब उनसे सिर्फ 30 पैसे ही रिसीव हो रहा है इन ए रुपीज, तो ऐसे सिचुएशन में लॉस है एज ए बैड डेब्ट्स एनी अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। तो कैश अकाउंट डेबिट, दिस इज
कैश रिसीव 30%, नाउ 8,000 बैलेंस अमाउंट 30%, अमाउंट 2,400, लॉस 8,000, 70% वैल्यू एज ए लॉस 70 पैसे, 5,600, टू मोहन क्रेडिटेड अमाउंट 8,000। तो अब चेक करें, स्टार्टिंग जनरल एंट्री जो थी उसमें मोहन में को हमने डेबिट किया था 10,000 से, 2,000 रिसीव्ड होने के बाद मोहन का अकाउंट बैलेंस शो कर रहा था डेबिट, जैसे डेबिट वैल्यू ₹10,000 एंड क्रेडिट वैल्यू ₹2,000, आफ्टर डिडक्टिंग 8,000 मोहन एज ए डेबिट बैलेंस। मोहन जब इंस्टॉलमेंट हो गया तो मोहन के अकाउंट को पूरा पूरा 8,000 जो डेबिट बैलेंस हो रहा था उससे क्रेडिट करके उनके अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। अब इन फ्यूचर अगर मोहन से कुछ अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है तो वो क्या है, एज ए बैड डेट्स रिकवर विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ आर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। तो एक एग्जाम्पल लें इस पे भी, मोहन कैश रिसीव्ड 5,000 which were written off as bad debts in the previous ईयर। तो अब अगर मोहन से इन फ्यूचर अगर रिसीव्ड हो रहा है तो अमाउंट जो है 5,000 है, तो अब इसके लिए जो जनरल एंट्री पास होगी, डेबिट व्हाट इज कमिंग कैश, क्रेडिट द गिवर कौन है मोहन, तो इस एंट्री में डेबिट व्हाट इज कमिंग कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है मोहन, लेकिन इस जनरल एंट्री में हम मोहन को क्रेडिट नहीं करेंगे। रीज़न यह है क्योंकि ऑलरेडी हम मोहन के अकाउंट को क्लोज कर चुके हैं, दोबारा मोहन को रिकॉर्ड करेंगे तो उनका अकाउंट एज ए क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, यानी कि ये प्रेजेंट करेगा कि फर्म लाइबल है पे करने के लिए, इसलिए मोहन का जो अकाउंट है उसको क्रेडिट नहीं करेंगे, उसकी जगह होगा टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, रिसीव्ड अमाउंट 5,000 एंड 5,000। तो बैड डेब्ट्स एज ए लॉस है वो रिकवर्ड हो रहा है, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड एज ए प्रॉफिट, तो इसको क्या कर दिया गया क्रेडिट। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जनरल, इन व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर मतलब इसी ईयर का एक्सपेंसेस है लेकिन उसे पेड नहीं किया गया, तो जो अमाउंट यानी कि एक्सपेंसेस पेड नहीं है फर्म उसके लिए लाइबल है वही क्या है एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट पेड। एग्जाम्पल, an employee, sorry, example, an
एम्प्लॉई इज पेड सैलरी एट द रेट ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ। एम्प्लॉई है 1,000 पर मंथ उसकी सैलरी है एंड इफ ड्यूरिंग द ईयर ओनली 11th मंथ सैलरी रुपीज 11,000 हैज बीन पेड रुपीज 1,000 फॉर 1 month विल बी द आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इस एग्जाम्पल में दिख रहा है एक एम्प्लॉय है जिसको 1,000 पर मंथ सैलरी देना है, लेकिन फॉर्म ने सिर्फ 11 मंथ की ही सैलरी प्रोवाइड की है, टोटल 11,000। 1,000 फॉर 1 month विल बी द आउटस्टैंडिंग सैलरी। अभी भी ये जो बाकी ये एज ए क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्सपेंसेस नेचर एज ए सैलरी। तो जो ऑलरेडी हम 11 मंथ की सैलरी पेड कर चुके हैं वो तो फर्म की बुक में रिकॉर्ड है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जो 1,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या सैलरी के बारे में समझ रहे हैं, इसके लिए अभी हमें जनरल एंट्री समझना है। तो ये एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट पेड, जब एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर है तो ये करंट ईयर का ही एक्सपेंसेस है, इसी अकाउंटिंग ईयर करंट ईयर में रिकॉर्ड करने के लिए सैलरी अकाउंट डेबिट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज बैलेंस और ऑलवेज शोड एज ए क्रेडिट बैलेंस। नाउ आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंट 1,000 एंड 1,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल योर टॉपिक टेकन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट मीन्स एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर यानी कि इस करंट ईयर का ये एक्सपेंसेस नहीं है, बट पेड इन एडवांस, लेकिन इसी करंट ईयर में हमने एडवांस पे कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय इज पेड सैलरी एट द रेट ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर सैलरी पेड रुपीज 14,000। तो अकॉर्डिंग टू पर मंथ 1,000 पर मंथ सैलरी, टोटल सैलरी करंट ईयर के लिए सिर्फ 12,000 है, लेकिन इस ईयर उन्होंने कितना पेड कर रखा है, 14,000। नाउ रुपीज 2,000 सैलरी एडवांस गिवन। तो ऑलरेडी जो हमने 14,000 पे कर रखा है उसके लिए तो जनरल एंट्री पहले से फर्म के बुक में रिकॉर्ड मेंटेन है, हमें किस चीज़ की जनरल एंट्री समझनी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस।
तो कितना प्रीपेड है, एडवांस हमने पे कर रखा है 2000, तो इसके लिए एक एंट्री पास करनी होगी। ऑलरेडी सैलरी एज एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये ऊपर लिखा गया एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट पेड इन एडवांस। तो एक ऑलरेडी जो हमने 14000 पे कर रखा है उसके लिए हमने एंट्री की है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट 14000 14000। हमें एंट्री समझनी है प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि हमने एडवांस पे कर रखा है। तो ये जो एडवांस 2000 है इस करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, तो उस एक्सपेंसेस को डिक्रीज करेंगे यानी कि सैलरी को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो फॉर जनरल एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस प्रीपेड एज ट्रीटेड एज एसेट्स, एसेट्स शोड एज ए डेबिट बैलेंस, अमाउंट डिपॉजिटेड टू आउटसाइडर। नाउ प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अमाउंट 2000 डेबिट साइड एंड 2000 क्रेडिट साइड। फिर से समझ लें, सैलरी हमने टोटल 14000 पेड किया था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस ईयर का एक्सपेंसेस तो नहीं है लेकिन इसको हमने एडवांस पे कर रखा है, तो वो सैलरी इस ईयर एक्सेस अमाउंट 2000 से शो कर रहा है जिसको हमने वापस क्रेडिट किया, और ये जो एडवांस अमाउंट पेड है ये ट्रीटेड एज एसेट्स, फर्म का पैसा किसी आउटसाइडर के पास डिपॉजिट है तो उसको एज ए एसेट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। नाउ डिप्रिशिएशन, इट इज़ द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर एंड पासेस ऑफ टाइम। यानी कि डिप्रिशिएशन का मतलब क्या बताया गया है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स। बिजनेस में जो भी एसेट्स है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली यूज़ करने से उसकी वैल्यू तो डिक्रीज होगी ही होगी, तो जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उस वैल्यू को एज ए जो लॉस हो रहा है उसको क्या बोला गया, एज ए डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन एज ए लॉस है, एक्सपेंसेस है, लेकिन इसका अमाउंट कैश में तो पेड होता नहीं है, इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो अभी एक एग्जांपल लिया गया था, फिर से ले रहे हैं एग्जांपल। डिप्रिशिएट फर्नीचर बाई रुपीज 8000। तो ये ट्रांजेक्शन है, इससे टू साइड्स फाइंड आउट करने हैं, एक डिप्रिशिएशन एज ए लॉस एंड अनदर साइड एज ए फर्नीचर रियल अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज गोज आउट, बिजनेस से कुछ भी बाहर नहीं जा रहा लेकिन ये फर्नीचर एज ए रियल अकाउंट है तो इसको रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग नहीं, किस तरह से अमेरिकन अप्रोच यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू अकाउंटिंग इक्वेशन रूल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स शुड ऑलवेज डेबिट बैलेंस। तो एसेट्स की वैल्यू को अगर इंक्रीज करना हो तो क्या करेंगे, और डेबिट करें, और अगर एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करें। तो ये डिप्रिशिएशन जो चार्ज हो रहा है इससे एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। नाउ टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को क्या किया गया, और क्रेडिट करके उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दी 8000 एंड 8000।